जिक्र कर रहे हैं मौला अली दा, जश्न भी मौला अली दा है। हाँ जी उदारा बाबा, मौका भी मौला अली दा है, महीना भी मौला अली दा है, इफ्तखार इजी नौकर भी मौला अली दा है, तो जिन्ने तुसी बैठे हो सारे ही मौला अली हो। तो अली मौला के नाँ से उन्ना ही को बोलता जिन्ना जड़ा अली नू जानदा। ये भी गल याद रखे जे, कई पेड़ च मरोड़ उठ जाते हैं, कई गुगल घड़ी बनी शुरू हो जाती है, कई मत्थे ते पसीने छुट जाते हैं, कई एवं बेजा वासी आनी लग जा, कई उठन फिरन लग जाते, कई बच्चे होर कुछ नारे लाने लग जाते। मैं रच के सदीक अकबर पाक का जिक्र किया कि नहीं किया है, और मैं किसी अपनी सुननी होने की सनद विखा नहीं आता, मैं मलंग मौला मुश्किल कुशादा। वो मलंग नहीं कि दमा दम मस्तक अंदर भंग भी अंदर चरस भी अंदर, वो आदि नहीं हाँ मैं, बावजू हाँ यारी सरकार का जिक्र है, अपने बच्चे बच्चे नूं सिखाया, जितने शागिर्द ने उन्होंने सिखाया, अगर किसी की तबीयत बिगड़नी है तो हुण उठ के चला जाए, कोई जाना चाहता तो चला जाए, क्योंकि मौला का जिक्र हर बंदे नूं बर्दाश्त नहीं होंदा। हो सकता मेरे जान तो बाद कोई गिला करे, वड्डी गल है कि अगले साल साजन साहब नूं ते आसिफ साहब नूं ये आखणगे कि इहनूं ना बुलाओ, होर की करोगे, क्योंकि मौला अली को समझने के लिए और जानने के लिए अब्बा जी का एक होना अम्मा जी का नेक होना जरूरी है। अच्छा अच्छा हुण वेखी तू, इंज दियां आवाज़ां आउणगियां अल्लाह दे हुक्म नाल, मस्जिद दी दीवार दीवार बोलेगी, पत्थर पत्थर बोलेगा, टूटियां ते की पूरा कोटसों दा अज बोलेगा जिहड़ा मौला अली दे नौकर बन के बैठे होए। एक अलग बात है, बंदे चादरां लैके इंज बैठे ने जिवें देगां ते दम नहीं दित्ता हुंदा वी तौबा, हैं इत्थे बोलिया जी बस मेरे नाल मेहरबानी बहुत शुक्रिया। अगर मस्जिद दे विड़े च बाहर ना मैं हुंदा तो मैं यकीनन होर माहौल हुंदा, लेकिन मैं मस्जिद च बाहर थोड़ा जिहा ठीक है जी, लेकिन हाथ उठा के यारी सरकार दे नौकरो मेरा पहला जुमला तुसां सुनना है, तीन शेर मैं देने ने, उत्तों फिर अली अली शुरू करने, तवज्जो रखना जरा। तुसीं ते सुल्तानिया दे मुरीद, सुल्तानुल आरिफीन इस्लाही जमात च, तुहाडे ते हक अली अली दा ज्यादा बढ़दा है, तवज्जो जी मेहरबानी, खुदा रा बस मैनू देखो, पहलो शेर समझना है, फिर इंशाल्लाह मैं तुहाडे कोल अली अली ते लै लवांगा, बस वेलियो बह जाओ जी, तार पमछी को बस छोड़ो, की हो गया आप कड़ा रस्सा टप्पना है, कभी इधर नूं कभी उधर, छोड़ो पर जिहदी छोड़ी जांदा पिया, जिन्ना जिन्ना चाहिए लै लो, सुकून नाल बैठो। तवज्जो जी, अपने कद से बड़ा हो गया, अपने कद से बड़ा हो गया जो भी उन पे फिदा हो, अपने कद से बड़ा हो गया, अपने कद से बड़ा हो गया उन पे जो भी फिदा हो गया, इंशाल्लाह कोर्ट सुनते जो आवाज कैसी आ गई, हुणे दो मिनट बाद देखना, अपने कद से बड़ा हो गया उन पे जो भी फिदा हो गया, जिस पे राजी हुई सैयदा उस पे राजी खुदा हो गया, जिस पे राजी हुई सैयदा जिस पे राजी हुई सैयदा उस पे राजी खुदा हो गया, हाथ नीचे ना रखना, जिस पे राजी हुई सैयदा उस पे राधी खुदा हो गया, उस पे राधी खुदा हो गया, लिबास है बशर है, हजरत जिब्रील है, जनाबे मरियम की चौखट है, मरियम कौन ईसा पाक की अम्मा है, दूरों तक क्या पाक मरियम ने पूछा जिब्रील को कौन हो, उन्होंने कहा मैं जिब्रील हूं, की लैन आए हो, उन्होंने कहा बीबी लैन नहीं आया देन आया, इतों दूर नहीं थोड़े मरियम आबाद, मैं एक दफा उ गया अंदर, अल्लाह की कसम खा के कहना एवं दिल कर पे भी जिथे सारे चलते हैं मैं भी अंदर जावा, मैं टोपी शोपी लाई तो गड्डी चो बाहर से चल अंदर, उन्हें कहा तलाशी लैनी है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहना मैंने कहते तलाशी लैनी है, मैं लो वो मेरी जेब चो शनाख्ती कार्ड निकलिया वो उपर लिखा इफ्तिखार अहमद, उन्हें कहा मुस्लिम, मैं कहा जी, उन्हें कहा इतने की लैना है, मैं क्या जनाबे मरियम सिर्फ थोड़ी अम्मा है, मेरी भी उन्नी मां है,
बल्कि तेरे नाल वध मेरी मां है। उन्हें अंदर जान दिता, सारा कुछ वेख के बाहर आके गड्डी च बैठे। मेरे बेली पुछदे ने अखा चथरू कैसे ने, मैं कि हजरत मरियम हजरत ईसा दी अम्मा है, ते बगैर निकाह के जनाब ईसा को जन्म दिया है। शान बड़ी है पाक मरियम दी, जिसले पगूड़े च हजरत ईसा ने तकबीले वाले लोग इकट्ठे होके आ गए, कित्थों आया पुत्र? फरमाया मैनू ना पुछो, इहदे कोल पुछ लो। उन्हें कहा ये तो बच्चा है, पंगूड़े च ईसा बोले बच्चा ना बोलो, पैगंबर हूं, साहिबे किताब हूं, अल्लाह का रसूल हूं। अगर पंगूड़े से ईसा कह सकते हैं मेरी मां पाक है, अगर हजरत मरियम की गवाही हजरत ईसा दे सकते हैं मेरी अम्मा पाक है, तो ईसा मुक्तदी है, मेरा नबी ईसा का इमाम है, मेरे नबी की अम्मा कितनी पाक होगी। शान बड़ी है पाक मरियम। बीबी पूछे कौन? उन्होंने कहा मैं जिब्रील। की लैन आयो? उन्होंने कहा लैन नहीं आया, देन आया। ये तो मतलब जिंदे बुए ते जिब्रील देने जाए उसे हजरत मरियम कहते हैं, और जिसके दरवाजे से लेने जाए उसे सैयदा ज़हरा बतूल कहते हैं। अगले साल तक अगला शेर आ गया तो वो जो रखना, जिसके दिल में हो बुग़्ज़े अली, जिसके दिल में हो बुग़्ज़े अली, जिसके दिल में हो बुग़्ज़े अली, बड़ा वास्ता दिया उसका सब कुछ तबाह हो गया। जिसके दिल में हो बुग़्ज़े अली उसका सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। एक गल का जिम्मेदार हाँ, बंदा जाए कोर्ट सौदे तो मस्जिद होवे खतीब, हाफजा का होवे उस्ताद, एहराम होवे बंदा, जहाज पे उड़े मक्के जावे, जुलाई का महीना होवे, सख्त गर्मी होवे, रोजा उन्हें रखा होवे, पसीने दे छुटे होण, काबे का तवाफ होवे, मकामे इब्राहिम ते नफल होण, हजरे अस्वद दा चुम्मा होवे, खाना काबा दे दरवाजे नूं जफा होवे, तवाफ उते तवाफ करे, करदियां करदियां मर जाए, अगर दिल में हुब्बे अहले बैत नहीं मोमन नहीं मरेगा, मुनाफिक मरेगा। जिसके दिल में हो बुग़्ज़े अली उसका सब कुछ तबाह हो गया, हो गया। अगला शेर आसिफ भाई, मैं आखिरी शेर जी, अब ये रब्ता करेंगे आसिफ साहब से, कहाँ तक है वो, मैं दे रहा हूँ माइक पन्ना सत्ता मिनट आसिफ चिश्ती साहब दे, फिर हम करेंगे दोबारा वजू, फिर आएंगे यहाँ पे, फिर आसिफ साहब को बगैर नकाबत के दावा देंगे, फिर अपनी गड्डी की ये हमारी हाजिरी है। लेकिन अली वालो जरा झूमना मेरे साथ एक जुमले थे, इश्क नबी है प्यार अली है, दिल है नबी दिलदार अली, इश्क नबी है प्यार अली, अब देखेंगे देखेंगे, इश्क नबी है प्यार अली है, दिल है नबी दिलदार अली, नबी दिलदार अली है, इश्क नबी है प्यार अली है, दिल है नबी दिलदार अली है, अहमद है एतबार खुदा का, अहमद का एतबार अली है। जो कहते ने मैं दसो, मैं पढ़ना आया, पढ़ के जावा। हाँ जी, हाँ इधर ही आने लगा, इधर। अच्छा जी, सारा मजून मैं ही देना, सुभान अल्लाह। मैं निकला रहीम यार खान से, अपनी गाड़ी में बैठा, 3:30 का टाइम था रात का, एक मेरे यार ने मैनू फोन किया, राजीव भाई जाग रहे हो सोते हो? मैं कुछ कुछ जाग रहे हैं, कुछ कुछ सोता। उन्होंने कहा एक सवाल है, उन्होंने कहा उन्होंने कहा मेरी बेटी जवान हो गई। मैं कहा भाई अल्लाह उसकी अख चाह यार पैदा करे, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी देवे, अल्लाह उन्हें बरकत दे। उन्होंने कहा बेटी मेरी PhD डिग्री कर बैठी, 17वें सकेली फीसर लग गई। मैं कहा होर मुबारक होवे। ए गल पग बन बंदियां दी नज़र कर रहा मैं,
जिहड़े पछैती लोग बैठे हो। इहदा मतलब नहीं मैं उत्ते बह गया तो मैं तुहाडे तों वड्डा, हो सकदा सारे तुसीं मेरे तों उच्चे बैठे हो, लेकिन मेरा जुमला सुन के मैनूं दात दिओगे तो मैं तुहाडी क्यामत वाले दिन भी तुहाडे लई दुआ करांगा। मेरा जुमला सुनण तों बाद दात देणी जी। मैनूं कहिंदा कि मेरी बेटी आलमा फाजला दा कोर्स मुकम्मल करके हाफसा भी बन गई, तो मैं कहा होर मुबारक होवे, रोना क्यों है? उन्हें कहा रजीब भाई तेरे ने एक मशवरा करना चाहना, जीरक आदमी है तू। मैं कहा बोल। उन्हें कहा बरीक आदमी है तू, मैं मशवरा दे। मैं की? उन्हें कहा बेटी का रिश्ता किसनों दिया, कबीले च बड़े लोग ने, मैं तां रो रहा किनू दे? उन्हें सवाल किया, मेरी अखा च भी आंसू आ गए। उन्हें कहा तू क्यों रोया? मैं कहा तेरे घर बेटी जवान है ना, तेरी पहुंचे मेरे तक, मैं दुआ करना अल्लाह मेरी इस बेटी का अच्छा सबब लगाए, परदे च जड़ियां मेरियां भैणां बैठियां अल्लाह उन्हां दे वी अच्छे सबब लगाए। लेकिन अगली गल याद रखे जी, उन्हें कहा रोया क्यों है? मैं कहा तेरी पहुंचे मेरे तक, मेरी पहुंचे तेरे तक, 1400 साल पीछे चल जो मुस्तफा पाक के दामने च सैयदा ज़हरा सन रिश्ते की वारी आई ना, तो नबी पाक ने सिर सजदे च रखिया, अल्लाह सुनिया ज़हरा दा रिश्ता किसनू दिया? गोड़ सौंदे की आवाज दिशान साउंड आल करामो साउंड आशान कैमरे आया, उस बंदे का हाथ भी कैच करी ते मखे का तेवर भी वेखी। जेड़ा बंदा हुण नहीं बोलेगा क्यामत वाले दिन भी नहीं बोलेगा। हाथ याद रखी मेरा जुमला, हजरात नबी पाक ने सिर सजे च रखिया, अल्लाह जी ज़हरा का रिश्ता किसनू दिता जाए? हाकम भाई का कलम उठा, लिखते ने कि किसके निकाह में तू ये ज़हरा, हक ने कहा हकदार अली की बारी आई तो फिर कहना पड़ा मन कुंतो मौला। मैं पहले मौला का जिक्र करना है, फिर हक चार यार का जिक्र करना है, तो मेरी ड्यूटी पूरी, फिर एक शेर तुहाडा भी पढ़ना है। मैनू पता है जेड़ा वास्ता बीबी पाक दे नाम दे दित्ता, इत्थे हाथ रख्या जे मन कुंतो मौला। जामी साहब का वीर उधारा ले उधारा, मैनू पता लग्या जिक्र कर कुर लैंदा, इत्थे हाथ रख्या जे मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। मैं बंदा वेखना है जिनू मेरे खून की लोड़ है, पुत्र बी पॉजिटिव है मेरा बोतल दें। जेड़ा बंदा नहीं बोलेगा उन्हें ताकत की लोड़ है मैं दें, नहीं तो फिर बोल। मेरा हक नहीं ना मैं तुम्हें तंग करना है, तो ना मैं फरूकाबाद के नादरा दफ्तर का मुलाजिम हाँ, मैं थोड़ा शिनाख्ती कार्ड चेक कराँगा, मैनू थोड़ा हाथ दसेगा कि कितने दर्जे का मवाली ते हलाली बन के अली अली कर रहे। बस बस तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी, मेरे जान तो बाद जो मर्जी कहता रही तेरी अपनी मर्जी है, मैं तो मेरी मेहरबानी तो रखी इतने हाथ रख के बोली मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला।
सुननी है तेरा मौला है मेरा मौला चारां दे अंदर पंजां दे अंदर दसां दे अंदर बारां दे अंदर तेरे सौ तेरा दे अंदर दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर एक मगता आया बड़ी भुख लगी है सैदी साहब रवायत ना होवे ऐठो फड़ो ते जे है इन्हां बेड़ियां नूं कहना मैं दुआ देंगा ये रवायत हो जाए तो मैं नारे च बना छड़ी एक मंगता आया बड़ी भुख लगी है मैनु मौला दे दे मैनु मौला दे दे मेरा मौला मौला मैनु कंबर दे दे अरे कंबर मौला है मेरे मौला जो कुछ भी पड़ा है वो ऊंट पे रखा मेरा मौला मौला इसे ऊंट ही दे दे अरे कंबर मौला है मेरे मौला वो ऊंट खड़ा है कतार के अंदर मेरा मौला बोला कतार ही दे दे दीवाना बोला है मेरे मौला मैं रच गया मौला तेरी जोड़ी जीवे तेरी जोड़ी जीवे गल याद रखो गल याद रखो मैं कोई तुहानूं सनद भी खान नहीं आया मैं अपने मुर्शिद का जिक्र किया है खान का डोगरा शीर का ताजदार मेरे सिर का ताज है मेरी अखां की ठंडक है मैं सुन्नी मां का पुत्र हाँ अली मौला के नाते हाथ इतने रखना इतने हाथ रखना इतने हाथ रखना खुदा की इज्जत की कसम में खाली नहीं जाओगे खाली नहीं जाओगे मेरा दिल करता है उन्हें भी अंजा आख्या होना तेरी जोड़ी जीवे तेरी जोड़ी जीवे तेरी जोड़ी जीवे तेरी जोड़ी जीवे छप्पर जीवे छपीर में जीवे मैं भी रच गया मौला एक दिन जो आया अली ने बोला ऐ दुनिया वालों आज जो कुछ पूछना उसी मेथों पूछ लो जिब्रील ने बोला ऐ मेरे खाले तेरी अली दा दावा आज मैं पूछांगा जिब्रील किथे वे जिब्रील जो आया तेरी पासे बशर में मेरे अली दे अग्गे वो आन खलोता वीर अली जी जिब्रील किथे वे अरे शर्क को देखा फिर गर्भ को देखा फिर ऊपर देखा फिर नीचे देखा हक्की में देखा पूरब में देखा मशरक में देखा मगरब में देखा दक्षिण में देखा फिर मक्के देखा मदीने देखा जिब्रील से बोला जिब्रील तू ही है जिब्रील भी बोला है तेरा मौला है मेरा मौला है तेरा मौला है मेरा मौला मैं जोर अपना कच तां लाया तुहाडी आवाज सुनिए हट चुके है तेरा मौला तेरा मौला है 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 मेरा मौला है तेरा मौला है तेरा मौला अगला शेर हक चार यार दा एक शेर सुन लो एक शेर सिद्दक का ताजदार हुण भी जेड़ा हो गया बीमार साड़ा नहीं लगता कोई रिश्तेदार खावे खसमा दा सिर असां ते लैणा की है जेड़ा सदीक अकबर दा नहीं मौला अली दा नहीं अल्लाह दी कसम अली अली भी ओदी कबूले जेड़ा सारियां दा यार है हट चुके आखरी शेर सिद्दक का ताजदार सिद्दक का ताजदार सिद्दक का ताजदार अदल का पहरेदार हक जारिया सखा कलमदार हक जारिया हैदर ए करार है जिन को इनसे प्यार वो बोले मेरे यार हक जारिया आ गए मेरे यार लो जी हक जारिया
बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आप दोस्तों को सलामती अता फरमाए। इंशाल्लाह असी सब जैसे पहुंचेंगे फकीर बगैर नकाबत की दावत देके, उनका नाम लेके फौरन आपसे इजाजत ले लेगा। मेरे ईवान का बहुत खूबसूरत नाम, मेरे वीर ने एक वास्ता दिता सी मैनू, मैं मत कोई लालच बिल्कुल, क्योंकि तेरा दिल ना मैं तोड़ बैठा। इन्हें मैंने बड़ी देर पहले कि मैं कलाम पढ़िया सी ते कई कुछ होया, लेकिन वो शेर सुन लो, तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी। जान दे तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, मैं ना नहीं रहा, बस इशारा तुन गल की। तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों, वो जो नबी की आंख का नूर है, वो जो अली की रूह, कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। जमीन आसमान में साईं साईं हुसैन जमीन आसमान में खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, मैं दावत नाथ दे रहा हूँ जी, आपका उधार रहा।